नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष राम सिंह कन्नौजिया ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर शिक्षकों से अनुरोध किया है कि सैलरी स्लिप पर खाता संख्या लिखकर बीआरसी में जमा करवा दें, जिससे खातों को नेट बैंकिंग प्रक्रिया में शामिल किया जा सके। प्रेस विज्ञप्ति में ब्लॉक अध्यक्ष श्री कन्नौजिया ने आर्यावर्त बैंक शाखा के प्रबंधक का हवाला देते हुए कहा है कि आगामी मार्च से बैंक नेट बैंकिंग प्रक्रिया आरंभ करने जा रही है। उन्होंने कहा कि जिन शिक्षकों का वेतन खाता आर्यावर्त बैंक में है, वे सभी अपनी सैलरी स्लिप निकालकर उस पर अपना खाता संख्या स्पष्ट लिख दें, तत्पश्चात अपने संकुल के माध्यम से ब्लॉक संसाधन केंद्र पर भेज दें, ताकि कार्य को सामूहिक रूप से संपन्न कराया जा सके। वहीं प्राथमिक शिक्षक संघ की ब्लॉक इकाई ने आज संगठन के अध्यक्ष राम सिंह कन्नौजिया के नेतृत्व में नवागत खंड शिक्षा अधिकारी विश्वनाथ पाठक के प्रथम आगमन पर उनका जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर कार्यालय के कर्मचारी व एआरपी के अलावा शिक्षक गंगा प्रसाद, खलील राशिद, अमित, अखिलेश, वंदना पाल, अखिलेश, खेमराज, धीरज, निजाम, अलकाफ, आशाराम, नरेंद्र सिंह, देवेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे। जमीर